ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गरीब दाना मांझी को पत्नी के शव को कंधे पर ढोने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कानपुर के सरकारी हैलेट अस्पताल में तो लापरवाही की सारी हदें पार हो गई। एक पिता को अपने 12 साल के बीमार बेटे को कंधे पर उठाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से चाइल्ड वार्ड तक दौड़ना पड़ा। करीब 250 मीटर की दूरी कंधे पर तय की, कोई स्ट्रेचर नहीं मिला, एम्बुलेंस की मदद नहीं मिली। चाइल्ड वार्ड पहुंचने तक बीमार बच्चे ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मजबूर पिता को बेटे को शव को भी कंधे पर लादकर घर जाना पड़ा। तो दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिलेंगी, लेकिन क्या हाल है सरकारी अस्पतालों को वो आप देख सकते हैं, इन खबरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक मरीज इलाज के लिए भटकता रहा। ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो गरीब मजदूर दाना मांझी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर पैदल घर के लिए चल पड़ा। कंधे पर सड़ चुकी सरकारी व्यवस्था, संवेदनहीनता का बोझ, साथ में बेबस बेटी जिसकी मां के शव को सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। चंद रोज पहले कालाहांडी के दाना मांझी की इन तस्वीरों को देखकर आप यकीनन बेचैन हुए होंगे, लेकिन कंधे पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे बेटे को लेकर अस्पताल में बदहवासी में भागते कानपुर के सुनील को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। तस्वीरें कानपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैलेट अस्पताल की हैं। फसलगंज इलाके के रहने वाले सुनील के 12 साल के बेटे अंश को बुखार आया था। बेटे की तबीयत बिगड़ते देख वो हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने अंश को देखने के बजाय अस्पताल के बाल रोग वार्ड में जाने को कहा। हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से चाइल्ड वार्ड की दूरी करीब 250 मीटर है, लेकिन अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस तो छोड़िए, बच्चे के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह से बचाने के लिए बेबस बाप पूरी तरह से भागा। बीमार बेटे को कंधे पर उठाए हाफता घबराता सुनील किसी तरह चाइल्ड वार्ड पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटे का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अंश अपने पापा को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। सुनील की आप बीती सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी, आंसू रोक नहीं पाएंगे। दर्द ही कुछ ऐसा है, चोट बहुत गहरी है। देश में सड़ चुकी स्वास्थ्य सेवाओं, बीमार हो चुके इन अस्पताल की एक और कड़वी सच्चाई सुनिए। अंश की मौत के बाद भी अस्पताल की तरफ से कोई स्ट्रेचर नहीं मिला। जिंदगी के सबसे भारी बोझ, अपने बेटे के शव को एक बार फिर सुनील को कंधे पर उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा, आज भी। क्या नाम है इसका? अंश। सनी, इसको घर का नाम है सनी है। हाँ। और स्कूल का नाम अंश। अच्छा जी। किस क्लास में पढ़ता था ये? पढ़ने में हैलेट अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड से चाइल्ड वार्ड की दूरी सिर्फ 250 मीटर थी, लेकिन एक बीमार बेटे के मजबूर बेबस पिता के लिए वो दूरी हजारों मील की साबित हुई। जिंदगी और मौत के बीच के उस 250 मीटर के सफर के दौरान अस्पताल की एम्बुलेंस भी खड़ी दिखी, लेकिन सुनील के काम नहीं आ सकी। अपने बेटे की मौत के लिए सुनील हैलेट अस्पताल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही, संवेदनहीनता ने उनके जिगर के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। हैलेट में सर पूरी लापरवाही, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई इलाज नहीं, कोई किसी की हेल्प नहीं। सब कुछ लाइन लगी थी, सब लोग भीड़ लगाए थे। एक एक चार चार मरीज है, एक डॉक्टर है वो भी जूनियर, कोई वही नहीं। दूसरे बच्चे के स्टेज बेड पे लिटाने के बाद उनको जवाब दे दिया, आपका बच्चा नहीं रहा, आप ले जाइए। चंद रोज पहले ही सुनील ने बेटे अंश और पूरे परिवार के साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाई थी। घर में सब बेहद खुश थे, लेकिन अंश को मामूली बुखार आया। इसके बाद अस्पताल की संवेदनहीनता और पलक झपकते ही हंसता खेलता परिवार मातम में डूब गया। मजबूर पिता बस इतना चाहता है जो उस पर बीती है किसी और के साथ ना हो। किसी भी का बच्चा हो भैया, टाइम से इसको इलाज मिले, हम यही चाहते हैं। ये तो मेरा बच्चा था, हम तो संतोष कर लिए, पर आगे किसी बच्चे को ऐसा लापरवाही ना मिले। सुनील की जिंदगी से उसका अंश हमेशा के लिए दूर हो गया है। जिस बेटे के सुनहरे भविष्य के एक पिता ने सपने देखे थे, उसी के शव को कंधे पर उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फैसला सरकार करे, समाज करे या आप करें, ऐसे बीमार अस्पतालों, संवेदनहीन डॉक्टरों, अफसरों के खिलाफ क्या
और कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से राजेश एन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। चलिए अब हम आपको कानपुर से लेकर कालाहांडी तक सवालों के घेरे में आई सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और शासन प्रशासन की संवेदनहीनता की दोनों तस्वीरों को एक साथ दिखाते हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में एक पिता अपने 12 साल के बच्चे को कंधे पर लिए इमरजेंसी वार्ड से चाइल्ड वार्ड तक भागा, स्ट्रेचर तक नहीं मिला और बेबस पिता की दुनिया लुट गई। बेटे की मौत हो गई और शव को भी कंधे पर लेकर लौटना पड़ा। जबकि ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर दाना मांझी को पत्नी के शव को कंधे पर लादकर घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 10 किलोमीटर तक दाना पत्नी के शव को लेकर पैदल चला और इसके बाद जाकर प्रशासन जागा और उसे एम्बुलेंस मिली। तो सरकारी सेवाओं का कितना लाभ गरीब जनता को मिल पा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर से जो खबर सामने आई है वाकई में लापरवाही दिखाती है अस्पताल प्रशासन की, कि एक मरीज इलाज के लिए भटकता रहा, एक पिता अपने बेटे के इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन डॉक्टर उसे इधर से उधर वार्ड तक भेजते रहे लेकिन उसे इलाज नहीं मिला और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जबकि दूसरी तस्वीर ओडिशा की है जहां पर एक पति अपनी पत्नी का शव कंधे पर लिए घर तक उसे जाना था लेकिन उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली और 10 किलोमीटर तक वो पैदल चलकर अपने घर पहुंचा और बाद में उसे एम्बुलेंस मिली। तो ये हाल है सरकारी अस्पतालों का, जहां दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं इलाज नहीं है, कहीं संसाधन नहीं है और ऐसे में इसका जो खामियाजा है मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।